हेलो फ्रेंड्स, स्टडी गो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल स्टडी गो को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए प्रेस करें इस बेल आइकन को। और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो, यानी वीडियो को पूरा देखें, यानी वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने मुस्लिम लॉ के बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड वक्फ, यानी कि मान्य वक्फ के आवश्यक तत्व। दोस्तों, ये जो वक्फ है उसका पार्ट टू है। पार्ट वन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने वक्फ की डेफिनेशन और वक्फ के आवश्यक तत्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से उसको इजीली देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। दोस्तों, जो हमारी सुन्नी विधि होती है उसमें हमारे वक्फ के आवश्यक तत्व होते हैं। पहला, किसी संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए, परमानेंट डेडिकेशन, और इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले स्वस्थित साउंड माइंड और वयस्क व्यक्ति के द्वारा ही जो वक्फ किया जाता है वही वैलिड होता है। और साथ ही जो वक्फ है वो ऐसे चीजों के लिए किया जाना चाहिए जो कि धार्मिक और खैराती हो। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि परमानेंट डेडिकेशन क्या होता है और इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो वक्फ कर सकता है, और कौन से ऐसे एक्ट है जो धार्मिक और खैराती समझे जाते हैं जिनके लिए वक्फ किया जा सकता है। दोस्तों, मान्य वक्फ के लिए पहला आवश्यक तत्व होता है कि संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए, यानी कि परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यानी कि दोस्तों, परमानेंट डेडिकेशन मतलब कि अगर हमने कोई चीज किसी को दे दी तो उसके बाद हम उसको वापस नहीं लेंगे, हमेशा के लिए दे देनी है। यानी कि वक्फ में हम अगर किसी चीज के लिए अपनी संपत्ति को दान करते हैं, जो कि हमारी क्या होनी चाहिए, धार्मिक होने चाहिए वो उद्देश्य, और वो खैराती समझे जाने वाले एक्ट होने चाहिए, उन एक्ट्स के लिए अगर हम किसी संपत्ति को समर्पण करते हैं, देते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो स्थायी होना चाहिए समर्पण, यानी कि परमानेंट होना चाहिए। यानी कि टेम्पररी, कि कुछ टाइम के लिए दे दिया और बाद में हम बोल रहे हैं कि हमारी संपत्ति अब वापस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा डेडिकेशन है संपत्ति का वो परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए। समर्पण की क्रिया के साथ साथ उसकी घोषणा भी की जानी चाहिए, यानी कि दोस्तों अगर हमने अपनी संपत्ति का समर्पण किया है तो उसके साथ उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हमने इस संपत्ति को, अपनी संपत्ति को और जितनी संपत्ति हमने वक्फ में दी है, मतलब उसका पूरा ब्यौरा, हमने इतनी संपत्ति को वक्फ में निहित कर दिया है, यानी हमारी ये संपत्ति वक्फ की संपत्ति है, ऐसी एक घोषणा की जानी चाहिए। दोस्तों, समर्पण की घोषणा के लिए निश्चित शब्दों का होना आवश्यक नहीं है, यानी कि कोई फॉर्मेट नहीं है कि हमें घोषणा इस प्रकार से करनी है, यही शब्द हमें घोषणा में बोलने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है घोषणा करने का। दोस्तों, जो हमारा वक्फ है मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का हो सकता है। दोस्तों, अबू यूसुफ के अनुसार वक्फ द्वारा संपत्ति का समर्पण केवल घोषणा द्वारा पूरा हो जाता है, लेकिन जो हमारे इमाम मोहम्मद है उनके अनुसार जब तक घोषणा के अतिरिक्त मुतवल्ली की नियुक्ति ना की जाए व संपत्ति का कब्जा ना दिया जाए तब तक वक्फ पूर्ण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, अबू यूसुफ कहते हैं कि भाई एक बार आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आपकी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो बस काफी है, वो संपत्ति आपकी वक्फ की हो जाएगी, आपको कब्जे का परिधान करने की जरूरत नहीं है, मुतवल्ली की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है। और यही मत जो है हमारे इंडिया में माना जाता है, यानी कि दोस्तों अबू यूसुफ का मत हमारे भारत में माना जाता है। दोस्तों, संपत्ति के वक्फ के लिए संपत्ति का स्थायी समर्पण होना चाहिए, क्योंकि एक बार वक्फ का निर्माण हो जाता है तो उसे बाद में वापस नहीं लिया जा सकता है, यानी कि जो वक्फ है उसको रिवोक नहीं किया जा सकता है। कोई भी संपत्ति वक्फ की विषय वस्तु हो सकती है, यानी वक्फ का जो हम किसी भी संपत्ति का वक्फ कर सकते हैं, यानी कि केवल अचल संपत्ति हो चाहे, या फिर चल संपत्ति हो, या मूर्त हो, या अमूर्त संपत्ति हो, किसी भी संपत्ति का वक्फ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि परमानेंट डेडिकेशन होना चाहिए, यानी कि स्थायी समर्पण होना चाहिए, ना कि टेम्पररी। दोस्तों, वक्फ का दूसरा आवश्यकता जो है कि जो वक्फ है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिसका इस्लाम धर्म में फेथ हो, यानी जिसकी इस्लाम धर्म में निष्ठा हो। यानी कि दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875, यानी कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट जिसे बोलते हैं, उसके अंतर्गत वयस्कता की आयु, यानी एज ऑफ मेजोरिटी जिसे बोलते हैं, 18 वर्ष की आयु जो है, मतलब 18 इयर्स की जो एज है उसको प्राप्त कर लिया हो। और अगर दोस्तों, ये जो हमारा इंडियन मेजोरिटी एक्ट है उसमें कहा गया है कि अगर जो व्यक्ति है उसका अगर
संरक्षक या कोई लीगल गार्जियन नियुक्त किया जाता है तो उस कंडीशन में मान्य वक्त के लिए आवश्यक होता है कि उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए तथा उस व्यक्ति का स्वस्थित होना भी आवश्यक होना चाहिए, यानी कि उसका एज ऑफ मेजोरिटी यानी कि वयस्कता की आयु को पूरा करने के साथ साथ उसका स्वस्थित भी होना आवश्यक है, यानी कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो पागल नहीं होना चाहिए, उसका जो माइंड है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो स्वस्थित व्यक्ति होता है उसे अपनी संपत्ति के वक्फ करने पर जो उसके लीगल रिजल्ट होंगे उसके बारे में उसे पता होता है। और दोस्तों साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि वयस्क व्यक्ति जो है वो वक्फ कर सकता है, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है जिसकी उम्र, वो वक्फ कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो माइनर होता है यानी कि अवयस्क व्यक्ति होता है जिसकी एज 18 साल से कम होती है वह वक्फ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता है। जिस तरह एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है उसी तरह एक माइनर वक्फ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर वो वक्फ करेगा तो वो वक्फ स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा और शून्य हो जाएगा। और दोस्तों एक माइनर की तरफ से उसके लीगल गार्जियंस या उसके पेरेंट्स भी वक्फ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह वक्फ भी वॉइड होगा। दोस्तों मान्य वक्फ का तीसरा आवश्यक तत्व यह है कि जो संपत्ति का समर्पण है वो ऐसे प्रयोजनों यानी ऐसे उद्देश्यों ऐसे एक्ट्स के लिए किया जाना चाहिए जिन्हें मुस्लिम विधि में धार्मिक यानी रिलीजियस या फिर खैराती जिसे बोलते चैरिटेबल माना जाता हो, जैसे कि मस्जिदों में नमाज के लिए इमामों का प्रबंधन, यानी कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं इमाम उनके प्रबंध के लिए अगर कोई अपनी संपत्ति का वक्फ करता है तो वो भी वैलिड होगा। सेकेंड हमारा जैसे कि इमाम बाड़ों की मरम्मत वगैरह के लिए अगर कोई वक्फ करता है अपनी संपत्ति का तो वो भी वैलिड होगा। और मस्जिदों में चिराग जलाना हो गया, गरीब रिश्तेदारों व आश्रितों का भरण पोषण हो गया, गरीबों को दान, इन सब चीज़ों के लिए भी अगर कोई वक्फ करता है तो वो भी वैलिड होता है। किसी ईदगाह को दान देना मतलब ईदगाह में जैसे ईद के टाइम पर जो बंदे नमाज पढ़ने जाते हैं वो जिस जगह जाते हैं नमाज पढ़ने उस प्लेस को कहते हैं ईदगाह, तो उसका प्रबंध करने के लिए अगर कोई दान करता है तो वो भी वैलिड होता है। दान मतलब वक्फ करना, ठीक है। और दोस्तों सेवेंथ है हज यात्रा के लिए गरीबों की मदद, यानी जो व्यक्ति हज यात्रा पे नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए अपनी संपत्ति का वक्फ अगर कोई करता है तो वो भी वैलिड होता है। और साथ ही धर्मशालाएं बनवाना, इन सब के लिए वक्फ अगर किया जाता है, ये जो सब चीज़ें बताई हैं मैंने, इन सब के लिए जो वक्फ किया जाता है वो वैलिड होता है, क्योंकि ये जो उद्देश्य हैं जो एक्ट्स हैं इन्हें मुस्लिम विधि में चैरिटेबल और धार्मिक माना जाता है, धार्मिक यानी रिलीजियस, खैराती यानी चैरिटेबल। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।